नमस्कार। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे माली सहित कई समाज के लोगों ने भरतपुर और नेशनल हाईवे की इसको तीसरे दिन भी बंद रखा। इससे जयपुर आगरा सड़क पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वही आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए सरकार की ओर से अधिकृत पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नाराज दिखे। मंत्री कहने ही कोई भी वार्ता के लिए उनसे बात करने नहीं पहुंचा, जबकि वे संभागीय आयुक्त के साथ उनका दिन भर इंतजार करते रहे। वही प्रशासन ने कई क्षेत्रों में जारी नेटबंदी को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया। आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरलाल कुशवाहा कहने हैं कि सरकार तरफ से वार्ता का न्योता नहीं मिला। कमेटी के 10 लोगों के नाम भी लिस्ट सरकार को दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकियां दी जा रही है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल बता दें कि भरतपुर के अरोदा गांव से निकल रहे नेशनल हाईवे किस पर माली सैनी कुशवा साग के मौर्य समाज का जाम है। बुधवार को हाईवे पर टेंट लगाकर सैकड़ों संख्या में लोग यहाँ बैठे रहे। नेशनल हाईवे 21 ब्लॉक करने को लेकर प्रशासन तरफ से लखनपुर थाने में 60 आंदोलनकारियों व करीब 15 से ज़्यादा अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल माली सहित अन्य समाज के लोग जनसंख्या के आधार पर 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर वे 33 जिलों के कलेक्टर सहित तहसील स्तर पर एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। जब समाज की मांगों पर गौर नहीं किया तो समाज के लोगों ने 12 जून को चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया था।